आज हम अपने गांव सिकरौडा में हैं और यहाँ के जो नौजवान हैं उनका क्या रुझान है अब की बार की है, अब की बार बदलाव करना चाहेंगे, किस पार्टी को लाना चाहेंगे, इनके मन में क्या है? आपको पता ही है कि विधानसभा जो है हमारे यहाँ पे भगवानपुर विधानसभा है, यहाँ पे आप देख सकते हो सुबोध राकेश जी, ममता राकेश से और प्रेम सिंह, और अभी बीजेपी का बता रहे हैं कि सत्यपाल जी को टिकट हो सकता है। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा बारी बारी करके कि इनके मन में क्या है, किसको वोट देना चाह रहे हैं, आप किसको वोट देना चाह रहे हैं? तो जी ममता राकेश को वोट देना चाहेंगे। वजह क्या है आपको ममता? क्योंकि कांग्रेस ने सरकार बनाई है और कांग्रेस ने पुल दिया है, कांग्रेस ने ही स्कूल दिए है, कांग्रेस ने ही नाली वगैरह बनाए हैं। और यहाँ के कुछ लोग और है बता, पूछता हूँ मैं उनसे, क्या ममता राकेश ने काम किया है यहाँ पे? नहीं जी, कुछ नहीं करा ममता ने 7.5 साल में अपनी निधि में, कुछ नहीं करा यहाँ। हाँ, ये बोल रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं करा है, क्या ये सही है? जी, हरीश रावत ने एक पुल दिया है, हमें स्कूल दिया है, ITI दिया है, बहुत कुछ दिया है। देखो, ये तो हर आदमी की आज बात अलग अलग होती है, किसी की मर्जी, कोई वोट कहीं दे, पर हम ममता राकेश। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है, पहले ही बोल रहे थे कि अगर आज आपने खाना खा लिया, क्या अगले दिन जो खाना होगा क्या उसी पर डिपेंड रहेंगे? नहीं, इनका मतलब ये है कि अगर उन्होंने 7 साल पहले पुल बनाया या स्कूल बनाया, क्या उसी के ऊपर ही वोट मांगेगी कांग्रेस? नहीं, ये तो हमारी मर्जी है, अपनी मर्जी के मुताबिक वोट दे रहे, हमारा दिल जहाँ मानने का हमारा वोट दे। आप, इसका मतलब ये है कि आप जो है कांग्रेस के जो है समर्थक, चाहे वो काम करे या ना करे। और आप किसको देना चाहोगे? सुबोध राकेश जी। क्यों? क्यों इस बार हम बदलना चाह रहे हैं। अच्छा, आपको यानी कि बदलाव चाहिए। अच्छा, और इसके अलावा और पार्टी क्यों नहीं? सुबोध राकेश जी ने आपने पार्टी भी नहीं बताया, पार्टी को देख रहे हो? आदमी को देख रहे जी, पार्टी को। अच्छा, किस उससे वोट देंगे इनको, क्या काम कर? सुबोध जी जो है ना, किसी वक्त भी तुम चले जाओ उनके पास, वो हर वक्त तुम्हारे लिए फ्री है, किसी टाइम भी। आगे पूछते हैं, आपका किसके तरफ से? सुबोध राकेश। अच्छा, सुबोध राकेश जी, और यहाँ भी देखे सुबोध राकेश जी के ज़्यादा लग रहे हैं आप। सुबोध राकेश, हाँ, क्यों देना चाह रहे हैं सुबोध राकेश? पर बना होता है ममता राकेश ने 7 साल में कुछ नहीं किया यहाँ से, विकास देख लो जाके, जो आ रही है खेलने से यहाँ तक के, उस पर कोई विकास विकास नहीं। ये सिकरौड़ा वाला की आवाज़ है, देख सकते हो आगे भाई, बताना आप किसको दें? ममता राकेश। या ममता राकेश जी के फोर यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि गांव में 50-50 ना हो जाए सिकरौडा में, तो ममता राकेश को ही। तो उन्होंने काम बताया अभी, काम तो ये बोल रहे हैं कुछ काम नहीं किया। काम भी होएगा जी, पहले जीत जाने दो, काम भी होएगा। अरे, जीत तो हो गए 7 साल में, कोई बात नहीं, अब दिखाएंगे काम करके। अच्छा, काम करके दिखाए, इसका मतलब आपका कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने अब की बार कोई काम नहीं किया है ना, काम नहीं किया ना, तो वोट किस बेस पर दे रहे हैं? अब के पूरी उम्मीद है कि हमें काम करके दिखाएगी। अच्छा, काम करके दिखाएगी, इसका मतलब आप जो है उनके काम को नहीं बस पार्टी को देख रहे हैं, है ना? और यहाँ पे देखते हैं दूसरा, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, मैं सिकरौडा गांव में रहता हूँ, और मेरे ये विचार है कि मुझे जो कांग्रेस पार्टी है उसके विचार थोड़े अच्छे लगते हैं। हम अब की बार जो हमारे माननीय मंत्री हरीश रावत हैं, उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री के तौर पर देखने का प्रयास करेंगे, और हमारे गांव में जो हमारे आसपास जो टूटी फूटी सड़कें थी उनकी जो मरम्मत अभी हुई है उसके बेस पे हम ममता राकेश को सपोर्ट करना चाहेंगे। जैसे 2.5 किलोमीटर का रास्ता है खेलडी से सिकरौडा तक के, माशाल्लाह बहुत बढ़िया, ऐसा लगता है जैसे अमेरिका के रोड पे चल रहे हैं, ये बात सही है अगले? नहीं देखो, ये बात तो अगर एक हिसाब देखा जाए सिकरौडा का जो मुख्य मार्ग है, लगभग सभी जितनी सिकरौडे की जनसंख्या उसी रास्ते से गुजरती है। मेरा ये मानना है कि अब की बार इंशाल्लाह चांस तो दोबारा बन जाएगी। अच्छा, चांस है, लेकिन आप इनकी बातों से जाहिर हो रहा है कि काम तो कुछ नहीं है, पता नहीं किस बेस पर वोट दे रहे हैं। हम जरा राकेश को ही क्यों चूज कर रहे हो आप? अच्छा, आप वैसे कितना पढ़े हुए? अच्छा, इंटर पास हो, लेकिन आप जो है जो पढ़े लिखे हुए बच्चे हैं वो किस बेस पर अंधभक्ति पर वोट दे रहे हैं या पार्टी बेस दे रहे हैं, किस बेस पर? पार्टी बेस पर, यानी कांग्रेस को पसंद करते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिकरौडा के जो युवा है वो ज़्यादातर जो है कह नहीं सकते, 50-50 हो रहा है यहाँ पे। सुबोध के भी समर्थक इतने ही, ममता राकेश के भी इतने ही, मुझे लगता है 50-50 हो रहा है, और दूसरी पार्टियों को यहाँ पर अभी थोड़ा ही समर्थन मिल रहा है। अगर मैं देखूँ तो यहाँ बीजेपी के भी कुछ समर्थक है, लेकिन वो पीछे चले गए, सामने नहीं आए, और बहुत चीज़ें मैं यहाँ पर देख सकते हैं। हम तो देखते हैं आने वाले चुनाव में 14 फरवरी को किसका होता है, कांग्रेस का होगा या बसपा का, आपका या बीजेपी का इस विधानसभा में। लेकिन अगर लोगों का सिकरौडा में रुझान देखेंगे तो 50-50 लग रहा है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, धन्यवाद।